गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृषि रसायन में लेसन नंबर 10 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने हाइड्रोकार्बन का नामकरण देखा, उनमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा की। आज हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक मुख्य जो पहले सहजात है या पहले यौगिक है उनका अध्ययन करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारे पास हाइड्रोकार्बन का टाइप था एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र था CnH2n+2। यदि हम n बन लेते हैं तो हमारे पास पहला यौगिक बनता है मेथेन। अगर हम n बराबर 2 लेते हैं तो H+n से क्या बनता है आपके पास एथेन। n बराबर 3 लेते हैं तो Pro+n से क्या बनता है प्रोपेन। n अगर 4 होता है तो Bute+n से क्या बनता है ब्यूटेन। ये मुख्य हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिनकी क्या विशेषता है कि यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। पहला यौगिक आपका कौन सा है यहाँ मेथेन, ये संरचना की एथेन ये है। अगर प्रोपेन की बात की जाए तो ये आपके पास है प्रोपेन की संरचना। इसी प्रकार ब्यूटेन में भी कार्बन कार्बन एकल बंध से जुड़ेंगे और प्रत्येक कार्बन की संरचना हमें 4 रखनी है, तो इस प्रकार हमारे पास ब्यूटेन की संरचना भी बनेगी। इन सभी में हमें डिटेल से स्टडी करना है वो यौगिक है हमारे पास मीथेन CH4। सबसे पहले तो हमें यह पता हो कि मीथेन की संरचना, तो हमने देखा ये है आपके पास मीथेन की संरचना। संकरण की बात की जाए तो मेथेन का यहाँ संकरण होता है sp3, क्योंकि यहाँ मेथेन अन्य 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 4 सिग्मा बंध बनाता है, इसी से संकरण बनता है sp3 संकरण। सेकंड, अब हम देखेंगे यहाँ कि मेथेन है इसका निर्माण किन किन विधियों से होता है। सबसे पहली विधि है एल्किन हैलाइड। एल्किन एल्किल हैलाइड के अपचयन से, अपचयन और ऑक्सीकरण दो प्रकार की विक्रिया होती है विद्यार्थियों। ऑक्सीकरण का अभिप्राय होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हमारे पास यहाँ अभिक्रिया देखती है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड, सबसे पहले आपको पता हो कि एल्किल क्या है। ये हम जो यौगिक लिख रहे हैं या बात कर रहे हैं ये सभी क्या है एल्किल। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाए या कोई नया प्रतिस्थापी आए तो वह यौगिक क्या बनेगा यहाँ एल्किल। हाइड्रोकार्बन को हम RH से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ अगर H निकल जाए तो यह R क्या कहलाता है एल्किल। तो यहाँ लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड, जैसे हमने लिया CH3CH, या हम कहें RCH के अपचयन से। अपचयन का मतलब है यहाँ H2 का योग होगा, इसका योग होगा H2 और उत्प्रेरक होंगे जिंक एक्सिल। तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगी मेथेन प्लस एक्सिल। तो ये है हमारे पास पहली अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के अपचयन से मेथेन का निर्माण, और ZN एक्सिल है यहाँ अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। सेकेंड अभिक्रिया हम देखते हैं यहाँ वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा भी हम मेथेन का निर्माण कर सकते हैं। अभिक्रिया क्या होगी, हमें सोडियम एसीटेट क्या लेना होगा। वी कार्बोक्सिलीकरण के लिए आपको लेना होगा सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया आप किसके साथ करवाएंगे NaOH के साथ करवाते हैं CaO की उपस्थिति में। तो हमारे पास यहाँ बनता है मेथेन प्लस CO2 प्लस Na2CO3। मेथेन प्लस Na2CO3 ये अभिक्रिया कहलाती है वी कार्बोक्सिलीकरण। तो इस यौगिक का नाम होता है सोडियम एसीटेट। थर्ड हमारे पास अभिक्रिया है अल्कोहल के अपचयन से, हमें क्या बनाना है मेथेन। मेथेन यहाँ इस अभिक्रिया में यहाँ बना, यहाँ बना। नेक्स्ट रिएक्शन में आपके पास अल्कोहल का अपचयन करवाना है। तो सबसे पहले आपको पता हो अल्कोहल क्या है, तो विद्यार्थियों अल्कोहल होता है
ये हम जो बात कर रहे हैं एल्किल, एल्किल के इस प्रतिस्थापन में अगर OH रिएक्शन से जुड़ता है तो यह यौगिक कहलाता है हमारा अल्कोहल। और अल्कोहल में हम ले रहे हैं CH3OH, क्या ले रहे हैं CH3OH प्लस 2HI रेड फास्फोरस, और गर्म करते हैं तो आपके पास यहाँ क्या होती है मेथेन CH4 प्लस H2O+I2, ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है अल्कोहल के अपचयन से मेथेन का निर्माण। ये तो थी बाय नेम रिएक्शन, तीन प्रकार के कितने होंगे आपसे इतना मैं पूछ रहे हैं। द्वि कार्बोक्सिलीकरण द्वारा मेथेन के निर्माण की संतुलित समीकरण लिखिए आप ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर अल्कोहल के अपचयन से आप मेथेन कैसे बनाते हैं तो ये समीकरण है। नेक्स्ट है मेथेन का सीधा संश्लेषण। मेथेन का सीधा संश्लेषण पहला है हमारे पास कार्बन प्लस 2H2 निकल, गर्म करते हैं यहाँ टेम्परेचर दिया जाता है लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास यहाँ क्या बनती है मेथेन, सीधा संश्लेषण है। सेकंड है एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 का जब जल के साथ 12H2 के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे तनु HCl की उपस्थिति में तीन मॉलिक्यूल आपके पास क्या बनेंगे मेथेन बनते हैं। एल्यूमिनियम कार्बाइड से हम क्या बना रहे हैं मेथेन और प्लस यहाँ क्या बनती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तीसरी रिएक्शन होती है हमारे पास यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड से, कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की कॉपर के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की जब कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या बनती है मेथेन बनती है और कॉपर डाइसल्फाइड या कॉपर ग्लांस का निर्माण होता है। तो ये हमारे पास है मेथेन का सीधा संश्लेषण की तीन मेथड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मेथेन के भौतिक गुण। भौतिक गुण होते हैं कि मेथेन गैस किस प्रकार की गैस है, इसकी प्रकृति क्या है। तो मेथेन एक रंगहीन गंधहीन गैस होती है, ये जल में अम्लीय होती है, अल्कोहल और मिथेन में विलेय होती है। उसके बाद हम देखते हैं मेथेन के रासायनिक गुण कि ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार करती है अन्य यौगिकों के साथ, किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो इसमें हम देखते हैं पहली अभिक्रिया हम करवा रहे हैं तापीय अपघटन, कौन सी अभिक्रिया करवा रहे हैं मेथेन की तापीय अपघटन, यानी टेम्परेचर जब दिया जाता है मेथेन को तो यह ताप से गर्म होने के बाद कार्बन ब्लैक गैस कार्बन बनाती है और टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेथेन को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओजोन से अभिक्रिया करवाते हैं मेथेन की, इसके साथ करवाते हैं ओजोन O3 से प्लस O3 से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ बनता है फॉर्मेल्डिहाइड प्लस H2O+O2, ये अभिक्रिया होगी ओजोन से। थर्ड है कि नाइट्रोजन और अमोनिया से मेथेन की अभिक्रिया, इसके साथ करवानी है थर्ड है नाइट्रोजन व अमोनिया से मेथेन की, जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो HCl बनता है। इसी प्रकार मेथेन की जब NH3 अमोनिया से अभिक्रिया करवाते हैं तब भी हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण होता है प्लस H2 गैस रिलीज होती है। अब है वायु से क्रिया या हम कहें मेथेन की दहन अभिक्रिया, मेथेन की दहन अभिक्रिया, जब मेथेन का दहन अर्थात मेथेन को ऑक्सीजन के साथ वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन या हमें वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण और आखिरी रासायनिक गुण है मेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन की क्रिया, इसके उपस्थिति में H3 या कहीं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब मेथेन क्रिया करती है किसके साथ Cl2 के साथ तो हमारे पास सबसे पहले बनता है CH3Cl+HCl मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड की फिर से जब Cl2 साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ बनता है एथिलीन डाई क्लोराइड। एथिलीन डाई क्लोराइड की जब फिर से Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में तो हमारे पास बनता है यहाँ क्लोरोफार्म, और क्लोरोफार्म की अभिक्रिया जब फिर से करवाई जाती है तो अंतिम उत्पाद होता है C4 या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और यह अभिक्रिया मुक्त मूलक
अभिक्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। उसके बाद है मेथेन के उपयोग। उपयोग के रूप में हम देखते हैं, सबसे पहला उपयोग यही है कि हम मेथेन या संकृत हाइड्रोकार्बन का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इससे मेथिल अल्कोहल और एल्डिहाइड का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जाती है और ये कार्बन का निर्माण होता है जिसका उपयोग कार्बन ब्लैक किया जाता है। तो ये हमारा पहला संतृप्त यौगिक एल्केन यहाँ कम्प्लीट होता है। सेकेंड हम देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिलीन, या हम कहें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में हमारे पास पहला यौगिक होगा एल्कीन, दूसरा होगा एल्काइन। पहले हम एल्कीन के बारे में देखते हैं, सामान्य सूत्र CnH2n। उसके बाद पहला एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, C2H4। संरचना कैसी होगी, एथिलीन। इस प्रकार से यह संरचना बनती है। कार्बन के यहाँ तीन सिग्मा बंद और एक क्या है पाई बंद, इसलिए दोनों ही कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2 संकरण। अब हम देखते हैं एथिलीन बनाने की विधियां। सबसे पहले हम देखते हैं कि एथिलीन एल्केन के ताप अपघटन द्वारा बनती है। पहले देखते हैं एल्केन के ताप अपघटन से। हमारे पास यहाँ है एथेन। जब एथेन को 500 डिग्री से 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो यहाँ हमारे पास बनती है एथिलीन प्लस रिलीज होती है H2 गैस। सेकंड हम देखते हैं डाई हैलाइडों के बीच हैलोजनीकरण। सेकंड अभिक्रिया क्या है, डाई हैलाइडों के वी हैलोजनीकरण से। डाई हैलाइड मीन्स हमें लेना है यहाँ CH2 Cl CH2 Cl। ये हमारे पास क्या हुए, डाई हैलाइड का जब जिंक डस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमारे पास यहाँ एथिलीन बनती है और यहाँ मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति होती है। थर्ड हमारे पास अभिक्रिया होती है यहाँ एल्किल हैलाइड के वी हैलोजनीकरण। एल्किल हैलाइड के वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। तो देखिए हमारे पास यहाँ हम यौगिक लेते हैं, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं। एथिल क्लोराइड की जब अल्कोहलिक पीएच की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ एथिलीन बनती है। यह अभिक्रिया होती है एल्किल हैलाइड का वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। तो ये हमारे पास तीन अभिक्रियाएं आ गई जिनसे हम एथिलीन का निर्माण करते हैं। पहली अभिक्रिया है एल्केन के ताप अपघटन से, 500 से 700 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो एथिलीन बनती है। डाई हैलाइडों के वी हैलोजनीकरण यानी दोनों Cl2 रिमूव होती है इसकी उपस्थिति में जिंक डस्ट और मेथिल अल्कोहल, तो क्या बनता है एथिलीन। एल्किल हैलाइड के वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अल्कोहलिक पीएच की उपस्थिति में HCl निकल जाता है और क्या बनता है आपके पास एथिलीन। अब है हमारे पास एथिलीन के रासायनिक गुण की चर्चा करते हैं। एथिलीन के रासायनिक गुण यह है ना, एथिलीन के रासायनिक गुण। तो सबसे पहला रासायनिक गुण देखिए आप, दहन अभिक्रिया। दहन से अभिप्राय है कि एथिलीन की हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। जितने कार्बन का एथिलीन है उतने ही कार्बन की CO2 निकलती है और प्लस H2O बनता है। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे हम, 3 O2। पहली अभिक्रिया क्या है, ये दहन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसे बेयर परीक्षण भी कहते हैं और यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मुख्य लक्षण है या इनका टेस्ट करने के बहुत ही अच्छी मेथड है, जिसमें हम देखते हैं कि एथिलीन की हम अभिक्रिया करवाते हैं या हम एथिलीन का ऑक्सीकरण करवाते हैं। ऑक्सीकरण करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में। क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमारे पास बनता है ये एथिलीन ग्लाइकोल। हमारे पास क्या बनता है, एथिलीन ग्लाइकोल। और यह अभिक्रिया बेयर परीक्षण कहलाती है क्योंकि इसमें गुलाबी रंग का KMnO4 होता है,
गुलाबी रंग का होता है केवल वो जो अभिक्रिया होने के बाद रंगहीन हो जाता है वो यह अभिक्रिया यह है परीक्षण कहलाता है बेर परीक्षण या बेर अभिकर्मक कहलाता है। थर्ड हमारे पास है एथिलीन की ओजोन से क्रिया, ये है हमारे पास एथिलीन जब ओजोन से अभिक्रिया करता है तो सबसे पहले यहाँ योगशील यौगिक बनता है और उससे आगे आपके पास बनते हैं दो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड, इसके बनते हैं दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गई हमारी एथिलीन की ओजोन से अभिक्रिया। इसके बाद एथिलीन की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बहुलीकरण। अब बहुलीकरण से अभिक्रिया क्या होती है, यह बनी अभिक्रिया बहुलक से। बहुलक होता है कि जब एक जैसी एक तरह इकाइयां बहुत लंबी श्रृंखला में आपस में जुड़ जाती हैं तो बहुलक का निर्माण होता है, यह क्रिया बहुलीकरण कहलाती है। और ये कंडीशन या उत्प्रेरक होते हैं उच्च दाब और उच्च ताप की कंडीशन, और हमारे पास यहाँ बहुलक निर्मित होता है। उसके बाद हम देखते हैं एथिलीन के उपयोग, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए यानी यह एक पादप हार्मोन के रूप में यूज किया जाता है जिससे कच्चे फलों को पकाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल बनाने में निषेचक के रूप में और मस्त गैस के रूप में इसके निर्माण में भी किया जाता है। अब थर्ड बंद है हमारा एल्काइन, या हम बात करते हैं एसिटिलीन की, ये संरचना है एसिटिलीन की। एसिटिलीन की कैल्शियम कार्बाइड के अपघटन से भी एसिटिलीन का निर्माण होता है। भौतिक गुण ऐसे लगेंगे कि यह एक रंगहीन गैस है, जल में अल्पविलेय होती है, अल्कोहल में विलेय होती है और एसीटोन में भी विलेय है, और फास्ट स्किन की अगर अशुद्धि होती है जिसमें लहसुन जैसी गंध आती है। ये थी हमारी एसिटिलीन के भौतिक गुण। अब हम ये देखते हैं कि एसिटिलीन बनती कैसी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड से बनती है। इसके लिए अभिक्रिया है कि सबसे पहले CaCO3 को गर्म किया जाता है, हमारे पास बनता है CaO+CO2। CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है कार्बन ब्लैक या कार्बन के साथ, तो यहाँ बनता है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो हमारे पास यहाँ बनती है एसिटिलीन CH सुपर बॉन्ड CH प्लस क्या मिलेगी यहाँ पर CaOH और ये हो गई कैल्शियम कार्बाइड से। उसके बाद ये बनती है ट्राई हेलो एल्केन के द्विअणु द्विहेलोजनीकरण से। दूसरी अभिक्रिया क्या है, ट्राई हेलो एल्केन के द्विअणु द्विहाइड्रोहेलोजनीकरण। तो हमारे पास यहाँ ये तीन ट्राई हेलो एल्केन के दो मॉलिक्यूल लिए हमने, द्विअणु से मतलब है दो मॉलिक्यूल, यहाँ से निकलेगी 6AgCl और जब हम इसे अभिक्रिया गर्म करते हैं तो हमारे पास बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH+6AgCl, ये निर्माण होता है ट्राई हेलो एल्केन के द्विअणु द्विहेलोजनीकरण। एक अभिक्रिया है टेट्रा हेलो एल्केन के द्विहेलोजनीकरण, टेट्रा हेलो एल्केन, तो हमारे पास यहाँ हेलो एल्केन कितने होंगे, टेट्रा होंगे, इनका क्या करना है द्विहेलोजनीकरण जिंक की उपस्थिति में करवाया जाता है। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH+ZnBr2, ये हमारी अभिक्रिया होती है एसिटिलीन बनाने के मुख्य अभिक्रियाएं हैं जिनमें से कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन बनाना एक औद्योगिक निर्माण की विधि है। नेक्स्ट है एसिटिलीन के रासायनिक गुण, तो सबसे पहले अभिक्रिया क्या होगी, दहन अभिक्रिया होगी, जैसे हमने मेथेन और एथेन की करवाई है उसी प्रकार से हम एसिटिलीन की भी दहन अभिक्रिया करवाते हैं। सबसे पहली है दहन अभिक्रिया C2H2 की ऑक्सीजन के साथ, जब हम दहन अभिक्रिया करवाते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन के दहन अभिक्रिया में हमेशा और हमेशा
इसका निर्माण होगा CO2 का निर्माण ही होगा, इसका निर्माण होगा CO2 का निर्माण होगा। अब इस प्रतिक्रिया को आप संतुलित करते हैं तो हमारे पास यह संतुलन विक्रिया बनती है। उसके बाद है बहुलीकरण। जब हम बहुलीकरण कराते हैं किसका, एसिटिलीन का, तो हमारे पास बनता है बेंजीन। क्या बनती है हमारे पास, बेंजीन। और एसिटिलीन का हाइड्रोजनीकरण, क्या कराते हैं हाइड्रोजनीकरण निकल की उपस्थिति में, तो हमारे पास पहले बनती है एथिलीन, उसके बाद हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ बनती है एथेन। ये होगी एसिटिलीकरण की तीन मुख्य रासायनिक प्रक्रियाएं। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण लास्ट प्रक्रिया है कि जब एसिटिलीन का ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास ये पहले ओजोनाइट यौगिक बना है, उसके बाद हमारे पास बनता है ग्लाइऑक्सेन। क्या बनता है हमारे पास, ग्लाइऑक्सेन। ये है हमारे पास एसिटिलीन के चार मुख्य रासायनिक गुण। उपयोग देखा जाए तो यह भी कृत्रिम विधि द्वारा फूलों के पकाने में, कार्बन ब्लैक बनाने में, संश्लेषित रबड़ या प्लास्टिक बनाने में और प्रतिकूल के लिए एसिटिलीन लैंप के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है एसिटिलीन का कि एसिटिलीन को जब ऑक्सीजन गैस के साथ हम गर्म करते हैं उससे जो प्राप्त ज्वाला होती है वो कहलाती है ऑक्सी एसिटिलीन। और इस ज्वाला में यानी इसका तापमान होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका उपयोग वेल्डिंग और इस्पात को काटने में किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ लेसन नंबर 10 हाइड्रोकार्बन के संतृप्त और असंतृप्त से संबंधित तीन मुख्य यौगिकों का अध्ययन करना था, मीथेन, एथिलीन और एथाइन, जिनसे संबंधित हमने बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया है। तो हमारा ये लेसन यहाँ कंप्लीट होता है और यही लेसन हमारा इस टेस्ट सीरीज में आपको दिया गया है। बच्चों आप इसे रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।